Hello everyone, welcome to the class. Today's class is our second part of LCM and HCl, right? LCM and HCl, correct? चलिए, पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि भाई LCM निकालते कैसे हैं, ना HCF निकालते कैसे हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं LCM HCF निकालने के, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आज के क्लास में हम LCM HCF से जुड़ी हुई और जो चीजें आती है ना वो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई LCM HCF जो होता है वो किस तरह से, अलग अलग टाइप्स के अगर नंबर आए तो हमने कैसे निकालने हैं LCM HCF, ठीक है? चलिए, सबसे पहले देखते हैं, अगर हमने क्या किया था उस दिन हमने लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि सर अगर नॉर्मल नंबर्स आते हैं तो उसके हम कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे कह दिया कि 36 और 12 और 48, सर इसका मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे LCM चाहिए, तो जो भी आपकी सबसे स्मार्टेस्ट अप्रोच है वो आप लगा के आप कैसे निकालते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें से कोई एक नंबर है छोटा जो बड़े से पूरी तरह से जाता है, अब बोलोगे हाँ सर पूरी तरह से जाता है, वो कौन सा नंबर है, अब बोलोगे सर ये जो 12 है ना 12 ये सर 36 से भी जाता है और 48 से भी जाता है, ठीक है ना, 36 से भी जाता है 12 से भी जाता है, तो इसको क्या करता हूँ मैं इग्नोर कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बच गया 36 और 48 बच गया, ठीक है। इन दोनों में से अगर मैं 12 निकाल दूं, क्योंकि दोनों में क्या है 12 थ्रीजा है और ये 12 फोरजा है ना, हाँ, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे 12 कॉमन है, 12 निकाल दिया, इसके बाद क्या बचा तो 3 और 4 बचा, और तो इसको क्या कर दूंगा 3 × 4 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 144, सो दिस विल बी व्हाट माय LCM, सीधी सी बात है ना, ये क्लियर है। अब देखिए आज हम देखते हैं अगर इन्हीं नंबर्स को अगर वो किस तरह से देते हैं, इन्हीं नंबर्स अगर आपको इन नंबर्स को इस तरह से दे दिया भाई, अगर उसे पूछा कि काम बताइए 0.36 ठीक है और 1.2 और 4.8 इसका LCM बताइए, इसका LCM बताइए क्या होने वाला है, तब क्या करेंगे आप, क्योंकि सर ये तो बहुत गलत इसमें फंसा दिएगा आप, गलत इसमें फंसा दिएगा, उससे क्या करेंगे। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, डेसिमल सॉल्व करना मैंने आप सबको सिखाया है, डेसिमल सॉल्व करना मैंने सबको सिखाया है, हम क्या करेंगे डेसिमल जिस तरह से हम सॉल्व करते थे उसी तरह से करेंगे, और क्या करेंगे पहले इन सब को क्या करते हैं, इन सब को डेसिमल हटाने के लिए जो सबसे पहली चीज हमने करनी चाहिए थी वो क्या करते हैं, सर एक काम करते हैं इन सब का डेसिमल को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया, या तो आप इग्नोर कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, या आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर देखिए ये जो नंबर्स है ना ये नंबर्स को हम क्या करते हैं अभी फिलहाल इन पूरे नंबर्स को अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया तो कुछ होने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा ना, आप बिल्कुल नहीं होगा चेंज, तो अभी क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई किया 100 से डिवाइड किया, तो ये जो 100 से मल्टीप्लाई किया था इसको अंदर ले जाते हैं और 4.8 into 100 कर देते हैं, उसी तरह से 1.2 into 100 कर देते हैं और 0.36 into 100 कर देते हैं और इसको बाहर रहने देते हैं 1/100 को, है ना भाई, ये तो करना ही पड़ेगा ना, नीचे ऊपर दोनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई है ना, तो ये कर दिया तो इसको अंदर ले गया, तो ये क्या हो गया आपका सर, ये हो गया 36 और ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 120 और ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 4 इधर था इनटू 1/100, ये यहीं रहने वाला है, ये कहीं जाने वाला नहीं है,
ठीक है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये यहीं पर रहेगा। अब क्या करेंगे, अब यहां से सर हम इसका निकाल लेते हैं कि सब में कॉमन क्या क्या है। बड़ा नंबर आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको फटाफट उससे कॉमन ले लीजिए। तो आपको कॉमन देखना आना चाहिए कि सर 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है ना। इसमें 12 किस तरह से, आप बोलोगे सर 12 × 3 है और इसमें 12 × 10 है और इसमें आप बोलोगे 12 × 4 × 10 है, ठीक है ना, 12 × 4 × 10। ठीक है, अगर इसमें है तो इसमें कॉमन क्या क्या है वो निकाल लेते हैं। अब बोलोगे सर इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12, तो ये हमने बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया 12 × अब देखते हैं 3 और किसी में है क्या, 3 और किसी में है क्या, नहीं है सर 3 और किसी में, चलो 10 है क्या, तो बोलोगे सर 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, तो इसको भी बाहर निकाल लिया कॉमन, ये हो गया 10 × और कुछ है क्या दोनों में, और कुछ दोनों में कॉमन है क्या, बोलो नहीं सर अब तो कुछ कॉमन नहीं बचा क्योंकि 12 हमने निकाल लिया था, 10 हमने निकाल लिया था, अब क्या बचा है सिर्फ 3 और 4, तो इसको भी क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 4। ठीक है, अब इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1440। ठीक है, ये हमने अभी इसकी कहानी की है, बाहर क्या था, आप बोलोगे सर बाहर 1/100 था ना, बाहर क्या था, 1/100 था। अगर बाहर 1/100 है ऑलरेडी, तब अब क्या करना चाहिए आपको, इससे बोलेंगे सर ये डिवाइड में है ना, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 1440 / 100। अब नीचे 100 है, नीचे 2 0 है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको हटाना है तो इधर से 2 डिजिट के बाद क्या होगा, डेसिमल लग जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 14.4 will be your correct answer. 14.4 will be your correct answer. Then yes. चलिए इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या है, तो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं 1.08, 0.36 एंड द थर्ड नंबर इज 0.9। ठीक है, 0.9। तो अभी आपने क्या बताया था, आपको सर अभी आपने बताया था अगर डेसिमल आएगा तो क्या करना होगा, डेसिमल आएगा तो सर उसका सबसे अच्छा इलाज ये होता है कि उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं ना, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, या फिर क्या करेंगे इसको हम सर 100, क्योंकि अब इसको 100 से भी कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, और आपको इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 2 जीरो की आवश्यकता है। अगर 2 जीरो की आवश्यकता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा अलाउड थोड़ी है भाई, है ना, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया, और ये जो 100 है इसको अब हम अंदर ले जाते हैं, तो अंदर ले जाएंगे तो सबसे मल्टीप्लाई करना होगा, अगर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 1.08 × 100, ये हो जाएगा 0.36 × 100 और ये हो जाएगा 0.9 × 100, और बाहर क्या बचा है, तो आप कहोगे सर बाहर 1/100 मेरा ऑलरेडी है, उसको आप ऐसे ही कैंसल नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या होगा सर, 2 जीरो है तो ये कितना हो गया, आप कहोगे 1.08 हो गया, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 डिजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो गया 36 हो गया, और यहाँ पे 2 जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 90 हो जाएगा। भाई 2 जीरो है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, तो 2 जीरो का एडजस्ट करना है तो एक इधर फंसेगा फिर एक इधर फंसेगा, कितना हो गया 90। अब क्या कीजिए आप इसका, अब इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये कितना हो रहा है, ऐसा कोई नंबर है जो आपको सामने दिख रहा हो, देखिए ये नंबर्स आपको देखने सीखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारा जो उद्देश्य वो क्या होता है कि हमने
सही आंसर निकालना है और कम से कम टाइम में निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको टेबल्स याद करने होंगे। ताकि टेबल्स जब आप याद करते हैं तो आपको मल्टीपल्स दिखाई देते हैं, फैक्टर्स दिखाई देते हैं। ठीक, आप नंबर को देखते ही मल्टीपल्स और फैक्टर्स जो है आपके आंख के सामने आ जाते हैं और आप फटाफट उसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सी चीज है। तो अगर हम यहाँ देखें कि भाई इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो सब में है, सॉरी जो सब में है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में है? आप बोलोगे सर इसमें ना 9 ऐसा नंबर है जो सब में दिख रहा है, अगर मैं 9 सब में से निकालूं तो ये कितना है? तो आप बोलोगे 9 × 12 है, और ये कितना है? तो ये 9 × 4 है, और उसके बाद ये कितना है? तो 9 × 10 है ना। अब देखिए, आप ये बड़े नंबर्स आपने लिख तो लिए हैं क्योंकि आपको कॉमन निकालना था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। बाकी नंबर्स को इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहां से अगर आपने 9 कॉमन निकाल लिया तीनों में से, और इसको यहाँ लिख लिया तो ये हो गया 9 × 2। अभी निकाल लिया तो ये कैंसिल हो गया। अभी क्या क्या बचा है? तो आप बोलोगे 12, 4 और 10 बचा है ना। 12, 4 और 10 बचा है। अगर 12, 4 और 10 बचा है तो स्मार्ट मूव क्या होना चाहिए? स्मार्ट मूव ये होना चाहिए कि सर ये जो 4 है ना, ये पूरी तरह से डिविजिबल है किस से? 12 से। अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूँ और 12 और 10 का निकाल लेता हूँ। तो 12 और 10 का क्या होने वाला है? तो आप बोलोगे सर 12 और 10 का जो होता है ना, ये कितना होता है? बोलता है ये, बोलोगे सर ये होता है 6 × 2 और ये है 2 × 5। तो 2 कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो 2 निकल गया। अब कुछ कॉमन नहीं है तो 6 × 5 हो गया, तो ये कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर ये 60 हो गया। तो जो 60 है उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 9 × 6 कितना हो गया? ये हो गया 540। ठीक है, ये हो गया 540। तो मेरा इन सब का एलसीएम कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 540 आ गया। ये मेरा आंसर है क्या? नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे 1/100 भी था, और जो 1/100 है तो इसको लेना तो पड़ेगा ना। आपने इससे उधारी ली थी कि भाई आप आपका 100 दे दीजिए और सॉल्यूशन होने के बाद मैं आपको आपका 100 वापस कर दूंगा। तो अब आपको इसके जिसका जो 100 है वो वापस करना पड़ेगा। तो वापस करने के लिए क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा 540/100। ये 2 जीरो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5.4 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, 5.4 विल बी आवर करेक्ट आंसर। यस, चलिए। तो ये तो बात हुई एलसीएम की। अगर ऐसा ही सेम नंबर आपको एचसीएफ निकालने के लिए दे दिया जाए तब क्या किया जाएगा? चलिए देख लेते हैं। अगर आपको सेम चीज में अगर आपको एचसीएफ निकालने बोल दिया, तब क्या करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, नंबर ही ले लेते हैं। नंबर आपको दिए हुए हैं 2.4 और नंबर दिया हुआ है 0.36 और एक नंबर दिया हुआ है एंड दैट इज 7.2। आपको इसका एचसीएफ बताना है, तो आपने कहा कि सर आपने बताया था डेसिमल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? वो ये होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितने नंबर है? तो आप कहेंगे सर 2 नंबर है। तो 2 नंबर है तो मैं क्या करूंगा, इसको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा ना। हाँ, तो ये 100 अंदर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 240 हो गया, और ये कितना हो गया? ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 720 हो जाएगा। ठीक है, ये 720 हो जाएगा। यहां तक की चीजें क्लियर है सबको? यस। तो अब मुझे क्या करना है, इसका एचसीएफ लेना है। तो कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जो सब में हो? जो सब में हो ऐसा कोई नंबर है? देखिए 36, 720, इसमें 36 है, इसमें 36 है ना। ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में 36 है, बट क्या 36 240 में भी है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें तो नहीं है। और एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है? वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि सर सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। क्या 36 सब में है? आप कहोगे नहीं।
अगर ये नहीं है सब में तो 36 आपका HCF नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम पीसीए नंबर पे आते हैं। 36 से छोटा कोई नंबर है सब में तो आप कहोगे सर 24 तो इसमें है बट इसमें नहीं, और उससे नीचे आएंगे तो सर 12, 12 मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा नंबर है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये देखो, ये अगर 12 में लेता हूं तो क्या होगा, 12 इंटू ये 20 है, ये 12 इंटू 3 है और ये 12 इंटू 60 है ना, 12 इंटू 60 है। तो यहां से जो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर यहां से जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो सिर्फ 12 है, तो ये 12 मेरा HCF हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद देखिए, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं, है ना। और HCF क्या होता है, जो सब में होता है, HCF मतलब सब में होना चाहिए, that's why it is known as highest common factor, ऐसा highest factor जो सब में common होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा factor कौन सा है, ऐसा factor सिर्फ 12 है, तो 12 आपका HCF हो जाएगा। और भाई उसके बाद क्या बचता है, तो आप कहेंगे सर एक 100 जो है उधारी ली थी वो बचता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो आप 12/100 करेंगे, अब ये 20 कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, तो इसको यहाँ से हटाएंगे तो इसके अपोजिट क्या होगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 0.12 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, 0.12 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक, चलो तो यहां तक की कहानी हमने देखी है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे हम दो चीजें देखेंगे इसके आगे, और दो फॉर्मूलेस के साथ देखेंगे उसको। चलिए, फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन आपको दिया हो तब उसका एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है, अगर आपको फ्रैक्शन दिया हो तो उसका एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है, ये हम आज देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या है फ्रैक्शन दिया है आपके सामने सर, 2/3 4/9 एंड 5/6। ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपसे कहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा है। अब तीन फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसका इसका देखिए, इसका एक अल्टरनेटिव जवाब क्या होता है, आप कहते हैं कि सर देखो ना, ये जो है ना, ये 3, 9 और 6 इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम जो है ना वो 18 आएगा, तो इनका एलसीएम 18 आएगा, तो उसी 18 से क्या करते हैं हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाई क्या होगा, तो बोलोगे सर इससे ये कट गया, ये 6 आ गया, इससे ये कट गया 2 आ गया, और इससे ये कट गया 3 आ गया, तो ये नंबर्स क्या हो गए, आप बोलोगे सर ये 12 हो गया, ये 8 हो गया और ये 15 हो गया। अब क्या करो, अब इसका एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, है ना। तो इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर इसमें से एलसीएम निकालना है तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, आप बोलोगे सर फैक्टर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 3/5। कुछ कॉमन है क्या सर, तो आप बोलोगे सर इसमें और इसमें 3 कॉमन है तो ये एक बार ले लिया, इसमें और इसमें 4 कॉमन है तो ये एक बार ले लिया, अब क्या बच गया 2 और 5, तो इन दोनों को भी लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना आ गया, आप बोलोगे 120 आ गया सर, है ना, क्या आ गया 120 आ गया सर, बराबर है, ये आ गया आपका 120। ये क्या हो गया, ये इसका एलसीएम। इस तरह से आप क्या करते हैं एलसीएम, लेकिन हमको क्या है ना, ये जो है ये बाकी जगह इसमें काम आएगा, यहाँ पे जो हम निकालते हैं वो अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ जो निकालते हैं वो अलग तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, Yes.
ठीक, चलिए अब इसको यहां से इस तरह से निकल जाए। यहां जो हम निकालेंगे ना, ये हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, और वो तरीका क्या होगा देखिए आपको दिखाते हैं। आपको जब फ्रैक्शंस की बात होगी ना, तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो हम बताते हैं आपको। फ्रैक्शन आपको यहाँ पे दिया होगा, जैसे हमने अभी लिखा था वो क्या था, फ्रैक्शन आपका था 2/3 और था 4/9 और क्या था 5/6 था, ठीक है। हाँ, तो इसका एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए आपने दो फॉर्मूलेज याद रखने। फॉर्मूलेज आप याद रखिए क्या होता है, देखिए जब भी आपको एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन निकालना हो, है ना, हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शंस की। फॉर फ्रैक्शन, अगर आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं, फॉर फॉर फ्रैक्शंस, दिस इज फॉर फ्रैक्शन जो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये होता है, इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या है कि सर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। अगर आपसे वहीं पर अगर एचसीएफ पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये दो फॉर्मूलेज आप याद रख लीजिए अच्छे से, आपको बहुत काम आने, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलेज आपको काम आने वाले हैं। जब भी बात होगी फ्रैक्शन की, जब भी बात होगी फ्रैक्शन की, तो आपने ये जो है ये फॉलो करना है। एलसीएम अगर पूछा है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर है ना, एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जिसके बारे में पूछा जाएगा वही आपने न्यूमरेटर का लेना है और दूसरे का क्या करना है उसका, दूसरे का लेना है एचसीएफ, ठीक है। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएफ। इसी सवाल को हम सॉल्व करेंगे आगे, देखिए इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो आगे देखते हैं। तो ये इसी सवाल को लेते हैं, 2/3, 4/9, 2/3, 4/9 एंड 5/6, यही क्वेश्चन था। हाँ यही क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको पूछा है कि सर इसका एलसीएम बता दो, एलसीएम बता दो, तो मैं क्या करूंगा कि सर एलसीएम जो है ना, फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, तो ये होता है सर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम लिया और नीचे वाले का क्या ले लिया, तो एचसीएफ ले लिया, डिनोमिनेटर, ठीक है। हाँ, और अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, तो एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, एलसीएम पूछा है तो क्या करना है और एचसीएफ पूछा है तो क्या करना है। अब देखिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है भाई, न्यूमरेटर में आपका क्वेश्चन 2 है, 4 है और 5 है ना, 2 है, 4 है और 5 है, ठीक है ना। तो सर अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, तो
आप कहोगे सर टू फोर और फाइव, टू फोर और फाइव का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर टू जो है फोर से पूरी तरह से जाता है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, फोर फाइव से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ट्वेंटी हो गया, है ना, ट्वेंटी हो गया। और सर नीचे नीचे का एचसीएफ लेना है तो थ्री नाइन और सिक्स, इसमें कुछ कॉमन है, आप बोलोगे सर थ्री सब में कॉमन, ये क्या हो जाएगा थ्री, तो ये क्या हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपका एलसीएम हो गया, है ना। इसी तरह से अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ में क्या करते हैं, तो एचसीएफ में सर ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ लेना है, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ क्या होगा, बोलोगे सर इसमें तो कॉमन कुछ नहीं है, तो एचसीएफ ऊपर वाले का हो गया वन, और नीचे वाले न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर है इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका एचसीएफ, ये इसका एचसीएफ तो सर 18 दिख रहा है ना, सबसे बड़ा नंबर 9 है, इसके बाद 18 से ये दोनों जाता है तो 18 हो गया, ये क्या होगा सर, ये 18 हो गया, सो दिस विल बी माय आंसर, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपने, एलसीएम और एचसीएफ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और एक एग्जांपल इसी का, सेम एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा है 3/4, 9/10 और 15/16 का एलसीएम और एचसीएफ, तो अगर इसका हमको एलसीएम निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, और अगर एचसीएफ निकालना है तो सर एचसीएफ निकालना है सर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको ही कंटिन्यू करते हुए, तो हम देखते हैं क्या है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा, तो आप लोगों सर देखो ये थ्री जो है ना ये 15 से भी जाता है और 3 9 से भी जाता है, तो इसको हटा देते हैं, तो 15 और 9, 9 और 15 का आपको लेना है, तो 9 और 15 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 15 में से कोई नंबर आता है जो 9 से जाता है, नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर वो क्या होता है, 15 क्या 45 होता है ना, 45 होता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 45, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, तो सर सब में कुछ कॉमन है क्या, बोलिए हाँ सर सब में 2 तो कॉमन है ही, तो सर ये तो ये क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा एलसीएम, ठीक है, यस। और अगर मैं एचसीएफ पूछ लूं तो क्या होगा, एचसीएफ अगर मैं इसका पूछ लूं तो क्या होगा, तो बोलोगे सर एचसीएफ पूछेंगे तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ लेना है, एचसीएफ कितना होगा ऊपर वाले नंबर का, सब में कुछ कॉमन है क्या, तो बोलोगे सर 3 सब में कॉमन है, और नीचे वाले का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है तो सर 4 जो है 16 से पूरी तरह से जाता है, तो 16 और 10 का मुझे देना है, तो 16 और 10 का अगर मैं लूंगा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 16 और 10 में क्या हो सकता है कॉमन, देखो लो सर 10 का कितना होता है, देखो 10 और 16 है, 10 का होता है 2 × 5 और 16 कितना होता है, आप कहोगे सर 2 × 8, है ना, 2 × 8 होता है, तो सर दो दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो हो गया, उसके बाद क्या बचा, तो 5 और 8, 8 5 जो होता है 40, मतलब 40 टू जो कितना हो गया 80, ये कितना हो गया, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं आप, 16 पंचे 80 होता है, तो आराम से हो जाता है, ठीक है, तो आपका क्या हो गया ये 3 × 8, ये आपका हो गया HCl, ठीक है, क्लियर, यस। देखिए आपको इतनी बहुत बढ़िया सा सवाल दिखाते हैं, एकदम जबरदस्त जबरदस्त सवाल, क्या कहता है जबरदस्त सवाल, ये कहता है कि अगर आपको इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए
अगर आपको एक ऐसा सवाल दे दिया जाए, इसमें फाइंड द एचसीएफ ऑफ 5/3, 6/4 एंड 7/5, तब क्या करेंगे आप? आप बोलेंगे सर आपने बताया एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ का फॉर्मूला होता है सर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5, 6, 7, ये हो गया 1। और एलसीएम कितना होगा? बोलोगे सर इसका एलसीएम दूसरे से 12 × 5 = 60 हो गया 1/60। करेक्ट आंसर सही है। 99% जो है यही आंसर लाते हैं, आपने भी शायद लाया होगा करके देखिए यही आंसर आया होगा, है ना? हाँ, लेकिन ये आंसर जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको फ्रैक्शन में मैंने बहुत पहले सिखाया हुआ है वो क्या है, फ्रैक्शन अपने लीस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, लीस्ट फॉर्म। अच्छा आपको एक मजे की बात दिखाते हैं। मजे की बात क्या है, ये जो सवाल पूछा गया था ना, इस सवाल के ऑप्शन में क्या था पता है आपको? इस सवाल के ऑप्शन में 4 ऑप्शन में थे, जिसमें पहला ही ऑप्शन आपका था 1/60 और दूसरा ऑप्शन था 1/20, तीसरा ऑप्शन था 1/30, चौथा ऑप्शन था 1/40। ये 4 ऑप्शन थे आपके पास, पता है आप? ये 4 ऑप्शन थे और आपका निकलता है कितना 1/60। आप चौड़े से खुश हो जाते हैं कि अपना तो निकल गया, मेरा आंसर सही है, अपन इधर के राजा हैं, है ना? और बाद में पता चलता है एग्जाम से निकलने के बाद अरे राजा नहीं तो सिपाही के लायक भी नहीं बचे ना? फिर आप बोलेंगे हे प्रभु, हे हरिराम श्री कृष्ण जगन्नाथम परमानंदी क्या हुई ना? तो आपको वो चीज हमेशा ध्यान रखनी है। वो तो क्या है भाई, फ्रैक्शन हमेशा अपने लीस्ट फॉर्म में होता है। तो आपको सवाल में क्या दिया हुआ था? सवाल में आपको दिया हुआ था 5/3, 5/6/4 और 7/5, है ना? 7/5, क्या ये सब अपने लिस्ट फॉर्म में है? आपको सर ये तो है, ये भी है, ये नहीं है लिस्ट फॉर्म में। तो पहले आपको इसको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा 5/3 और ये 6/4 जो है ना, 6/4 और इधर था 7/5, तो इसको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 2 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे 5/3, 3/2 एंड 7/5 और अब आप कैलकुलेट करेंगे आप इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा ऊपर का? तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 1 है और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 30 हो जाएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर है, 1/30 इज माय करेक्ट आंसर, ये वाला नहीं है जो आपने पहले निकाला था, है ना? हाँ, तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको हमेशा कि भाई ये जो रहेगा ना, ये 1/30 जो है ये मेरा करेक्ट आंसर है। अच्छा ठीक है, इस टाइप की गलतियां जो है हमने नहीं करनी है। अब देखते हैं एक और चीज है, फंडामेंटल क्या कहता है? फंडामेंटल कहता है एक फॉर्मूला है, देखिए अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं, दो नंबर्स हैं, मान लेते हैं कि n1 है एंड दूसरा नंबर है n2, ए बी भी ले सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं आपके जैसे, ठीक है? ये हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है, दो नंबर्स है ना, तो उसमें ये फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकेंड नंबर है, ठीक है? और इसके बाद होगा आपका एक एलसीएम और एक होगा आपका
एलसीएम, ठीक है, इसके बेस पे सवाल आते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपको बता दें, तो वो होता है एलसीएम इनटू एचसीएल इज इक्वल टू एन वन इनटू एन टू। ये फॉर्मूला याद रखिए, एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू एन वन इनटू एन, ठीक है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू एन वन इनटू एन। अब देखिए इसमें सवाल किस तरह से है, सवाल में क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया रहता है, क्वेश्चन में ऐसा आता है, क्वेश्चन में दिया हुआ इफ एलसीएम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज, ठीक है, एलसीएम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इस तरह से आपको दिया हुआ है, और क्या क्या है देख लेते हैं, रुकिए। हाँ चलिए, एलसीएफ और एलसीएम आपको दिया हुआ है, और इसमें आपको दिया है कि एलसीएम एंड एचसी, पहले एलसीएम है ना, हाँ एलसीएम, एलसीएम दिया हुआ है आपको 7700 एंड एचसीएफ जो है वो दिया हुआ है इसका 11 एंड एंड वन नंबर इज टू से वन नंबर इज 275, देन फाइंड द सेकेंड नंबर, ऐसा सवाल आता है। दो दो नंबर्स हैं है ना, दो नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, आप कहेंगे सर एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम दिया हुआ है 7700 और एचसीएफ कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर 11 दिया हुआ है, और उसमें से एक नंबर कितना है, तो एक नंबर सर 275 है ना, एक नंबर 275 है। अगर एक नंबर 275 है, तो आपसे क्या पूछा है, दूसरा नंबर पूछा है ना, तो इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कहता है सर एच सी एफ, रुको यार, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू एन वन इंटू एन टू। तो एच सी एफ कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे सर 11, एलसीएम कितना दिया हुआ है 7700 दिया हुआ है, एन वन एक नंबर कितना है 275, और दूसरा नंबर क्या करना है आपने निकालना है ना, आपको निकालना है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर दूसरा नंबर निकालना है तो ये क्या होगा, आप बोलोगे 11 इंटू 7700 डिवाइडेड बाय कितना है 275, 275, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 275 जो है, 275 है, 77 है, 11 है ना, हाँ ये 11 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, आपको डिविजिबिलिटी बताई है, 11 से जाएगा ये, है ना, ये 11 वन टाइम हो गया, 11 से कितनी बार जाएगा, तो आपको वो सर 25 टाइम जाएगा ये, है ना, 25 टाइम जाएगा, और 25 से आप इसको काटोगे तो ये कितने बार जाएगा, देखिए ये 25 से डायरेक्ट कटेगा ना, दो जीरो है तो कटेगा पूरी तरह से, तो ये हो जाएगा पहली बार तो तीन बार जाता है, और तीन बार जाएगा इसको, चलो थ्री जीरो एट हो जाएगा ना, 200 बचे ना, हाँ तो सीधा 308 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा कि सर मेरा जो दूसरा नंबर है ना कितना है वो 308, सिंपल एकदम, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ही आ गए, क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है इस तरह से, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एलसीएम एलसीएम ऑफ
two numbers is 4284, whereas HCF of these numbers is 34. फिर कहता है इफ सेकेंड नंबर इज, इफ सेकेंड नंबर इज 204, देन व्हाट विल बी the first number what will be the first number ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं चलिए तो क्या होगा अब कहेंगे कि सर क्या क्या दिया है तो सर एलसीएम दिया है एचसीएफ दिया है और क्या दिया है सेकंड नंबर भी दिया क्या चाहिए अच्छा सबसे पहले हम एक चीज याद रखिएगा कि एलसीएम जो होता है ना एलसीएम जो होता है वो किसी भी दो नंबर्स के एचसीएफ से पूरी तरह से डिविजिबल होता है ना एलसीएम जो रहेगा ये पूरी तरह से डिविजिबल होता है ये याद रखिएगा डिविजिबल है ना इसे मैंने बोला कि अगर सिक्स है ना सिक्स और एट जैसे है सिक्स और एट ठीक है तो इसका एलसीएम कितना होगा आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8 3 24 इसका एलसीएम होगा ठीक है ना और इसका एचसीएफ कितना होगा तो एचसीएफ जो है सर सर कितना हो जाएगा दोनों में टू ही कॉमन दिख रहा है तो एचसीएफ टू हो गया तो अगर ये 24 इसका एचसीएफ है टू इसका सॉरी एलसीएम है और टू इसका एचसीएफ है जब आप एलसीएम बाई एचसीएफ करोगे तो ये पूरी तरह से कटना चाहिए 24 बाई टू किया पूरी तरह से कट गया और कितना आया 12 आया तो इसको याद रखिएगा इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है सर किसी भी दो नंबर का अगर दिया हो या तीन नंबर की बात कर रहे हैं तो उसका जो एलसीएम होगा ना वो एचसीएफ से पूरी तरह से डिविजिबल होगा ठीक है यस चलिए अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सर एलसीएम दिया है कितना है तो आप बोलोगे सर ये क्या होता है इसका फॉर्मूला ये होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू एन वन एन एन टू क्या क्या दिया है एलसीएम दिया है सर 4284 एचसीएफ कितना दिया हुआ है तो आपको 34 एन वन तो निकालना है एन टू कितना दिया है आपको 204 एन वन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे सर 4284 इनटू 34 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 204 कर देंगे ठीक है 204 कर देंगे अब इसको काटते हैं तो काटने से कितना आएगा तो देखिए 4 से कट गया ठीक है ये हो गया इतना ये आ जाएगा 4 16 आएगा तो 4 1 7 1 4 ये आ जाएगा आपका 714 क्या हो गया तो ये 714 क्या हो गया ये आपका ठीक है यस बिल्कुल ये आपका आंसर सो इस तरह से ये सवाल आपको आएंगे और आपको इन सवालों को सॉल्व करना है ठीक है इसमें एक और भी ऐसा सवाल आता है वो क्या है देखिए अगर एक सवाल आपको दे दिया ऐसा इसमें और बोला कि भाई
एलसीएम ऑफ टू नंबर सेवेंटी टू एंड प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर ट्वेल्व ठीक है प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर इज ट्वेल्व और आपसे पूछा है देन फाइंड फाइंड एच सी एफ ऑफ दीज नंबर्स दीज टू नंबर्स इनका आपसे एच सी एफ पूछा तब क्या करेंगे इसमें सर कुछ नहीं हमको तो फॉर्मूला पता है वो क्या है एल सी एम टू एच सी एफ इज इक्वल टू क्या होता है एन वन एन टू एन टू यहाँ पर एन वन एन टू नहीं दिया है हमको डायरेक्ट क्या दिया हुआ डायरेक्ट ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देते हैं तो एलसीएम कितना दिया है आपको तो सर एलसीएम 72 दिया है एचसीएफ पूछा है प्रोडक्ट कितना दिया है 12 दिया है भाई इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा तो आपको होगा सर इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा तो सर ये 12 हो गया और ये नीचे 72 आ जाएगा एचसीएफ कितना हो गया इसका 1/6 हो जाएगा ठीक है जस्ट एग्जाम्पल लिया है ठीक है तो ये बढ़िया ना छह टाइम पर तो ये आपका एचसीएफ हो गया ठीक है अब इसमें एक सवाल जो एग्जाम में आया हुआ है वो आपको देते हैं ये दिस वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं वो देखेंगे एलसीएम में वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत अच्छे आते हैं तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आज देखते हैं इसमें आज का लास्ट सवाल इसमें दिया हुआ है HCF and LCM of two numbers are 45 and 300. If one of the number is 225, then find other number. आपको ऑप्शन भी बता देते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 16, 120, 55, 90 and 70. इसको सॉल्व करेंगे आप क्या करेंगे सॉल्व करने में बोलेंगे सर हमारे पास फॉर्मूला है और फॉर्मूला क्या है एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू एन वन इंटू एन टू हाँ ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है तो अब क्या करेंगे सर को दिया हुआ वैल्यू एच सी एफ कितना था आप बोलोगे सर 45 × 300 एन वन कितना है एक का वैल्यू है 225 दूसरे का वैल्यू निकालना है दूसरे का वैल्यू क्या हो जाएगा आप लोग सर 45 × 300 225 आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आप बोलोगे सर इसका जो आंसर है ना ये आपका फाइव से कटेंगे सर तो ये फाइव से कटेगा 9 टाइम और ये फाइव से कितने बार कटेगा तो आप बोलोगे सर फाइव से कटेगा 45 टाइम है ना ठीक है हाँ अभी और कटेगा आप बोलोगे हाँ सर और कटेगा 9 से कट जाएगा और कितने बार 5 टाइम्स कट जाएगा सर